प्रिय मित्रों एवं श्रोतागण, मेरी हार्दिक शुभकामना, आप लोग सुखी रहें, स्वस्थ रहें, मेरी ईश्वर से ही प्रार्थना। मैं ज्योतिषाचार्य पंडित नरेंद्रनाथ पांडे मध्य प्रदेश ग्वालियर से बोल रहा हूँ। जिस तरह प्यार के साथ आप लोग मेरे कार्यक्रम को देख रहे हैं, अपना विचार दे रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, इसके लिए मैं आपका आभारी। आज एक बहुत अच्छा प्रोग्राम प्रस्तुत कर रहा हूँ। केतु ग्रह कुंडली के किन किन भावों एवं राशियों आपको भाग्यशाली उद्योगपति बनाता है। जिसके कुंडली में दूसरे भाव में वृषभ राशि हो, उसमें केतु बैठा हुआ है, ऐसे लोग भाग्यशाली होते हैं, उद्योगपति होते हैं, धनवान होते हैं, गुणवान होते हैं। जिसके कुंडली में चौथे भाव में कर्क राशि हो, उसमें केतु बैठा हुआ है, ऐसे लोग रंग से राजा बनते हैं, ऐसे लोग पूर्ण भाग्यशाली होते हैं, बचपन से ही अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं। जिसके कुंडली में पांचवें भाव में सिंह राशि हो, उसमें केतु बैठा हुआ है, ऐसे लोग पूर्ण विद्वान होते हैं, उद्योगपति होते हैं, ऐसे लोग सामाजिक न्यायिक क्षेत्र में अच्छी यश कीर्ति पैदा। जिसके कुंडली में नौवें भाव में धनु राशि हो, उसमें केतु अगर बैठा है, क्या बात है, ऐसे लोग भाग्यशाली होते हैं, ऐसे लोग उद्योगपति बनते हैं, ऐसे लोग न्यायाधीश बनते हैं, प्रशासनिक अधिकारी बनते हैं, ऐसे लोग धन जन संतान ऐसो आराम से सुखी रहते। जिसके कुंडली में दसवें भाव में मकर राशि हो, उसमें केतु बैठा हुआ है, ऐसे लोग उद्योग के द्वारा धन कमाते हैं, ऐसे लोग लोहा मशीन केमिकल गल्ला कपड़े के व्यापार से अच्छा धन कमाते हैं, समाज में पूजे जाते हैं। जिसके कुंडली में बारहवें भाव में मीन राशि हो, उसमें केतु बैठा हुआ है, ऐसे लोग विदेश जाते हैं, विदेश से अच्छा धन कमाते हैं, ऐसे लोग छोटी पद पर रह के उच्च पद की प्राप्ति करते हैं, ऐसे लोग विधायक मंत्री संसद बनते हैं, ऐसे लोग के पास जो भी धन दौलत इज्जत प्रतिष्ठा रहता है, ये स्वयं का बनाया हुआ है। ये छोटा सा प्रोग्राम आपके सामने मैंने प्रस्तुत किया, इसे सुनिए। इससे संबंधित कोई प्रश्न हो तो मेरे प्रत्येक प्रोग्राम में मेरा फ़ोन नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, संपर्क कर सकते हैं। कोई मित्रगण अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहता है तो मेरे फ़ोन पर संपर्क करिए, आप उसका पालन करिएगा मेरे नियम का, तो मैं विवेचन कर लूँगा। मेरा फ़ोन नंबर 9425301111 है। इतना कहते हुए प्रोग्राम को समाप्त कर रहा हूँ। नमस्कार।